हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में स्पार्क पब्लिकेशन के बिहार दरोगा के लिए टेस्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट आकर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वॉल्यूम फर्स्ट में टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 के साथ साथ 5 को आपने एक ही क्लास में देख लिया था, आपको अगर ध्यान हो तो, मास्टर वीडियो के रूप में। आज के इस क्लास में सबसे पहले सेट नंबर 6 को देखिए। बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तैयारी थोड़ा अच्छे से करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। करेंट अफेयर्स है और भी जो स्पेशल क्लास वगैरह होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। आप लोग प्ले लिस्ट आकर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जो भी लोग बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा के लिए पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए स्पेशली आपको स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है, व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट जिसका के नाम है CHD1L, किस रोग के नियंत्रण में यह सहायक है बताएं। यहाँ पर आपको एड्स बताना होगा, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। कह रहे चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉक्स का संबंध किससे है, सी आपको टिक करना होगा, दुर्लभ खगोलीय घटना से है। जो भी लोग बुक को परचेज करना चाहते हैं, आसपास के बुक शॉप पे आपको मिल जाएगा, ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छा बुक है आपके दरोगा के लिए और काफ़ी कम प्राइस में आपको यह मिल जाएगा, यह भी ध्यान रखेंगे। कह रहा है इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है, डी आपको टिक करना होगा, क्योंकि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सही सभी आपको यहाँ पर टिक करना होगा। पिछला जो 2 चंद्रयान मिशन 1 और 2 था, यह भी कक्षा में यहाँ पर पहुँच गया था, चंद्रमा की कक्षा में। ठीक है, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, नंबर फर्स्ट राइट आंसर तमिलनाडु में बताइएगा। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर, तो राजस्थान में किया गया है। साइटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, बताइए साइटोलॉजी जो है ना, निम्न में से किस अध्ययन से संबंधित है, यहाँ पे आपको ए बताना होगा, कोशिका में, कोशिका अध्ययन से ये संबंधित है। 1931 ईस्वी के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा, परिणाम रहा था ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त हो गई थी। नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, मिजोरम ने दिया है। लैरिक्स या स्वर तंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रांबल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, एप्लीग्लाटिस उसे कहते हैं। नंबर 10 कह रहा है, निम्न में से कौन से जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी ग्रैंड जल संधि बताना होगा सही जवाब। नंबर 11 कह रहा है, इनमें से किस प्रकार का मेलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर वायरस। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है, यहाँ पर आपको बताना होगा सी सही जवाब, अनुच्छेद 300A के तहत ये चला गया है संपत्ति का जो अधिकार है। कह रहे हैं वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी, यह ना ऑप्शन नंबर बताना होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। वाकाटक साम्राज्य की महारानी नाम है प्रभावती गुप्त, ये ना कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, याद रखिएगा। हिट रिफ्रेश नाम से पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होता है, सत्य नडेला सही जवाब है। कुंद्रेमुख लोह अयस्क खदान कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होगा, कर्नाटक में है। संगीतकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट शहनाई से इनका संबंध है सही जवाब हो जाएगा। 2001 में ना इनको भारत रत्न भी दिया गया था, यह भी सवाल पूछा जाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होगा, रंध्र के नाम से जानते हैं। निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर आपको यहां पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बताना होगा।
राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है सही है? राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है? जी नहीं, भंग एकदम नहीं होती है। देखिए नंबर सी, देखिए समझ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन एक नयनार संत नहीं थे? समबंदर थे, अप्पर थे, सुंदर थे, अंडाल कभी भी नहीं रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा, सुनो बोल सही जवाब है। हिमालय की सबसे बाहरी परत यानी कि श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी शिवालिक पर्वत श्रेणी आपको बताना है। किस देश ने अनजाने में जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 737 जो कि 800 यात्री विमान था, इसको मार गिराया था? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा बी, ईरान ने मारा था। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा तीर्थ नहीं है? देखिए जैन धर्म में ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था, ए आपको सही विश्वास टिक करना होगा, यह नहीं था। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था बताएंगे? 33 सागर था, ऑप्शन नंबर सी। लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन था? आशुतोष गोवारिकर आपको बताना होगा, सही जवाब है। 2001 में ये फिल्म आई थी, इसे भी याद रख लीजिएगा। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 20। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट पतंजलि। हजामत का शीशा कौन सा होता है? कॉनकेव यानी कि अवतल होता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं कब? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 सितंबर को। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन का आपको टिक करना होगा। भारत की राष्ट्रीय वृक्ष कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, बरगद। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? देखिए मोरारजी देसाई को मिला है, राजीव गांधी को मिला है, गुलजारी लाल नंदा को मिला है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं मिला है, ध्यान रखेंगे। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, झेलम के तट पर बसा हुआ है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी कहते हैं एडमिरल। बोगनवेलिका में चमकीले रंगीन हिस्से हैं क्या है? नंबर फर्स्ट सहपत्र यानी कि पत्राव उसे कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम? बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी प्रचारण प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रयोक्ता हितैषी प्रणाली है? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी विंडोज। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है? ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है? शुक्र, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है उसे कहते हैं? नंबर फर्स्ट धूमची। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजिनस अवशिष्ट है? यह ना पक्षी का होता है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना होगा। पक्षी पेस्ट के रूप में विशेष रूप से पूछित यूरिक एसिड के रूप में कहीं अपना नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो होता है उत्सर्जित करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। ऊष्मा गतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा से। कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑप्शन नंबर बी इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? इनमें से क्या है जो एक कंप्यूटर भाषा नहीं है?
ये जो लिनक्स है ना कंप्यूटर भाषा ये नहीं है, याद रखिएगा। नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योटो का क्या संबंध था, तो ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगर किसी जलाशय में बी ओ डी का मान अधिक है तो वह प्रायः क्या होगा, तो वह प्रायः ऑप्शन नंबर बी बहुत प्रदूषित होगा। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर आपको बताना होगा, यानी कि जी डी तेंदुलकर कहते हैं इनको। नहीं नहीं डी जी तेंदुलकर होगा, जी डी नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपको डी असम बताना होगा। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, 1782 में आपको बताना होगा, नंबर फर्स्ट सही जवाब है, 17 मई का डेट था, यह भी आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से क्या एनजीओ स्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, तो वो ना होता है संगुप्त बीज, आपको यहां पर टिक करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आप यहां पर भी पायराइट को बताइएगा, पायराइट कहिए यानी कि FeS2, या इसे आप लोह पायराइट के भी नाम से कहते हैं, इसे मूर्खों का सोना आप कहते हो। कह रहे कि ऑफ्लेक्ट्री में यानी कि घ्राण तंत्र में जो कि हमारे शरीर में होता है, ये किस भाग में है यह बताइए, ये ना नाक में होता है। कहाँ पर होता है, नाक में, घ्राण तंत्र होता है नाक में। रानी नायकी देवी जिन्हें कितना को कितना कह रहे किसने 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है, मतलब यहाँ पे समझिए ना कि नायकी देवी जो है ना ये मोहम्मद गोरी को यहाँ पे आप डाल दीजिए, रानी नायकी देवी जिन्हें मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है, इन्होंने हराया था रानी नायकी देवी। रऊफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है, ये ना जम्मू और कश्मीर का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है, ये ना नागालैंड में मनता है, डी आपको टिक करना है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, सी सही जवाब है। कौन सा कथन कह रहा है भारत के आयात निर्यात बैंक के संबंध में सही नहीं है, बताइए कौन सा, नंबर 60 का क्या होगा, तो कह रहा है कि इसकी स्थापना 2014 में भारत के आयात निर्यात अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, गलत हो जाएगा, ये ना बहुत पहले 1981 में ही स्थापित किया जा चुका था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी टिक करिएगा। आयात निर्यात जो है ना इसका मुख्य कार्य भारतीय निर्यात को आर्थिक सहायता प्रदान करके उसे प्रोत्साहित करना होता है, यह भारत का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है, ठीक है। बैंक भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर सहयोग प्रदान करना होता है, सही है। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं, पोंग डैम के नाम से जानते हैं, ए सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। प्रकाश के वर्णक्रम बताइए किसके द्वारा व्याख्यायित किया गया, आइजक न्यूटन के द्वारा। एपिकल्चर किस पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है, एपिकल्चर होता है मधुमक्खी से, ये सही जवाब है। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती हैं, कण के पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वालिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% कोटा जिस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था,
और उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई थी, वह संविधान संशोधन कौन सा वाला था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, 103वां संविधान संशोधन था वह। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का लगता है, मणिपुर का नहीं लगता है। चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह के बीच 16 जून को हुआ था, डेट बताइए ना क्या था, 1539 में आपको भी बताना होगा। नंबर 68 में बताएंगे कि इन सब में से क्या था। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले सत्यरूप सिद्धांत कहेंगे उसे, विश्व के सबसे युवा व्यक्ति हैं जो सातों महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई किए हैं। बताइए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर वायरोलॉजी आप बताओगे। वायरोलॉजी मतलब होता है विषाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज आप यहाँ पर बताओगे। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच में स्थित है? तो महाराष्ट्र और मैं आपको बताना होगा गुजरात के बीच में यह स्थित है। 71 का डी सही जवाब है। नंबर 72 है, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? साहित्य में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, भौतिकी में मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि गणित के क्षेत्र में बेस्ट काम करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बिना ऑप्शन का बता सकते हैं, अगर आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट करिए, देखते हैं। ऑप्शन बताएंगे तो बहुत लोग बता देंगे, लेकिन बिना ऑप्शन का बताएं तो माने। कौन सा ऐसा उड़ीसा का एक नृत्य है? सबसे पहले यही समझिए, छऊ है, छऊ जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। नंबर 74 बताइए इनमें से कौन है, तो आपको बताना होगा ए, चार्ल्स डार्विन जो है ना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था, ठीक है, 1815 में हुआ था यह। दाचीग्राम अभ्यारण कहाँ पर है? दाचीग्राम है जम्मू एवं कश्मीर में। जनवरी 2019 में विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन पर फ्री टू एयर चैनल डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल बताइए किसका आरंभ किया गया, जिसमें ज़रूरत के अनुसार विज्ञान विषयों पर वीडियो दिखाए जाएंगे? इंडिया साइंस आपको यहाँ पर बताना होगा, डीडी साइंस और इंडिया साइंस पर ये दिखाया जाएगा, इस तरह का आपको याद रखना है। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप ट्राई कहते हो, इसकी स्थापना की थी? ट्राई का स्थापना हुआ था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट वी टेकर ने। प्रथम सिख साउथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक कितना को उनके पदार्थों पर अनुसंधान के लिए दिया गया? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या था याद है? जरूर होगा, मूल शंकर था मूल नाम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग बताइएगा। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ, बताइए स्वदेशी आंदोलन भारत में कब चालू हुआ था? 83 का हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन के समय में 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बंगाल विभाजन किया गया था। भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, FDI के नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। काफ़ी ज़्यादा लगता है मोटा ये लिखा रहा है ना, सबसे से पतला किया जाए। चलिए ठीक है, बताइएगा किसका, यहाँ पे आपको नंबर सी पर टिक करना है। संघवाद शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उनके विभिन्न
आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बट जाती है, याद रखना है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? लघुकरण के तहत कम कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति। लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? निर्णायक मत कहलाता है। जब बराबर हो जाता है तब वो निर्णायक मत डालने आते हैं और उन्हीं के मत से निर्णय निकलकर सामने आता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच में। आमेर का किला किसने बनवाया था? राजा मान सिंह के द्वारा राजस्थान में यह बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किन तिथियों पर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनात को देखा जाता है? ये गलत है, यह भी गलत है और यह वाला सही हो जाएगा। 21 सितंबर को देखा जाता है। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप किस देश में कह रहा है स्थित है? बैरन कहाँ पर है? तो बैरन द्वीप है अपने भारत में। एक जल संयोगी यानी कि स्ट्रेट क्या है? ए राइट आंसर, दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय होता है। ठीक है, 95 का ए आपको टिक कर देना है यहाँ पर। अब यहाँ से 96 नंबर का जो क्वेश्चन है मैथ का है, आपको सॉल्व करना हो तो आप ये कर लीजिएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है, सी हो जाएगा 96 का। 97 को सॉल्व करिएगा, डी आ जाएगा। 98 को सॉल्व कर लेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 99 को सॉल्व करिएगा, ए 8 घंटे आएगा। और 100 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं सेट नंबर 7 पर। उससे पहले एक छोटा सा सूचना सुनिए, आप में से जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए। एक बार में 3 सेट, 5 सेट, 8 सेट आप जितना कहेंगे ना उतना क्लास आपको दिया जाएगा। आप लोग बहुत जल्द कहिए एग्ज़ाम देने वाले हो तो थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखिए। पता है क्लास वगैरह को रिकॉर्ड करने में, एक साथ 3 सेट 5 सेट बनाने में ना 500 क्वेश्चन एक साथ अगर आपको बस पढ़ना पड़े ना तो आप देखिएगा कितना मेहनत लगता है। और वीडियो तैयार करना काफ़ी मेहनत का काम होता है और मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे पकड़ बना पाएँ और अपना एग्ज़ाम में एक सीट ले पाएँ, क्योंकि भयानक वाला इस बार कंपटीशन है। आप यह जानते हो बहुत कम सीट है, काफ़ी लोग अंदाज़ा लगा रहे थे 4000 के आसपास सीट आएगा, लेकिन कितना सीट है इस बार आपको ये पता है। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत अच्छे से करिए। क्लास वगैरह देने में तो एकदम नहीं होता है, एक मास्टर आदमी हम खुद हैं। अगर आप लोग कहेंगे अच्छे से और भी काफ़ी सारा क्लास आपके लिए तैयार हो जाएगा, काफ़ी सारा क्लास आ जाएगा। ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है, आपको पता है कि आपका क्लास आज अगर आया है तो आज के बाद फिर हो सकता है मास्टर वीडियो अगर आज आया तो कल नहीं आएगा ये वाला सीट, परसों या तरसों 2 दिन के बाद आपके लिए आएगा। तब तक मैं आप लोग इसे अच्छे से देखिए। अगर किसी को एक बार में देखने में प्रॉब्लम होता है तो आप एक सेट अभी देखिए, फिर कुछ देर के बाद देखिए, कुछ देर के बाद देखिए। लेकिन देखिए, नौकरी लेना है तो मेहनत करना है, भागिएगा मेहनत से, फिर आपको पता है क्या क्या उसका नुकसान आपके साथ हो सकता है। थोड़ा सा डरिए क्योंकि डरना ज़रूरी भी होता है। अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन, बताइए इसकी जो स्थापना है हाल ही में कहाँ पर की गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्राज़ील में। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़े टाइम पहले स्पीडी वाला बुक आया था साइंस का, उसका 2 क्लास लगता है दिया गया है, जिसमें कि सेट प्रैक्टिस सेट नंबर जो मॉडल पेपर रहता है 1 से 15 तक का दिया गया है। 1 सेट में 5 और दूसरे में 6 से 15 तक आपको दिया जा चुका है। आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिए। 25 सवाल आपके दरोगा में BSSC में पूछे जाएंगे साइंस से ही, तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। स्पीडी साइंस वाला क्लास है, लेटेस्ट बुक के साथ ज़बरदस्त वाला क्लास आप कह सकते हो आपके लिए है। और उसका क्लास अब वह भी आएगा, अल्टरनेट में क्लास आते रहेगा, आप लोग देखते चलिए। मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष हाल ही में कहाँ पर खोजे गए हैं? चीन में। भारत के रक्षा मंत्रालय से उन्नत
साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? सी राइट आंसर माया बताइएगा। भारत सरकार के किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए गए हैं? नंबर 4 का डी राइट आंसर दवा निर्माण क्षेत्र में। भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? मत्स्य 6000 का विकास किया गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में, है ना। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए बताना होगा। फजल अली आयोग के तहत ये हुआ था। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए वर्ष 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ध्यान रखिएगा। उस समय बनाने में ना 21 लाख का खर्च आया था, उस समय, जो कि बहुत होता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, तो इनके दरगाह निम्नलिखित में से कह रहा है किस शहर में स्थित है बताएं? ये ना अजमेर में है, राजस्थान के। चैड हार्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर नव प्रवर्तक यानी कि इनोवेटर्स हैं, जिन्हें किसके सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा। जहाँ पर आप यह क्लास देख रहे हो उन्हीं का श्रेय जाता है यूट्यूब का। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी के दिन। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस मानव खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी बताना होगा, सेलेनियम। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से बताइएगा अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो कि लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बी सही जवाब है। सियांग, तीरप और कामेंग, इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? ए राइट आंसर सौंग बांध। अली ए लिंगंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? ये मनता है असम में। भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है? ए राइट आंसर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। एलसीडी एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है, एलसीडी का मतलब। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन कैटाजेन और टेलोजेन जो है ये इसमें विभाजित हो जाते हैं? बाल में होता है, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। वर्ष 1996 में भारत में व्युत्पन्न व्यापार के लिए उत्पन्न विनियामक ढांचे के विकास के संबंध में परामर्श देने के लिए सेबी द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? एलसी गुप्ता समिति आपको बताना है, ए सही जवाब है। ये साल आपको 1996 याद रख लेना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ए सही जवाब है। CACP का सही पूर्ण रूप क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज आपको बताना है। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखिका का या फिर लेखक का जो भी नाम है बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, वाइज एंड अदरवाइज। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? H.H. कोल को, ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में मोहन जोदड़ो स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लरकाना जिले में है ये। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे, किनके? अकबर के दरबार में थे। निकट दृष्टता से प्रेरित लोगों का इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का दिया जाता है, ऑप्शन नंबर एक मिनट क्या है कॉन्क्लेव होगा ना अवतल लेंस का दिया जाता है।
26 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लोहा इससे निकाला जाता है, किससे? ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट से। समुद्र में ज्वार भाटा इसके कारण होता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव की वजह से होता है समुद्र में ज्वार भाटा। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O सही जवाब है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन की वजह से। बताएंगे कि आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? OS आपको बताना होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि OS मतलब ऑस्मियम बताना है। ठीक है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? उनका नाम क्या था? जेना। ठीक है, यानी कि जिसे आप जिन कहते हो मतलब विजेता, और अर्हत मतलब पूज्य होता था, निग्रस्त मतलब बंधनहीन होता था, यह सब भी कहलाए गए थे वे। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। 33 का आपको बताना होगा बी सही जवाब, सोवियत संघ था वह। वर्ष 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर सी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था, उसकी हत्या कर दिया था उसका सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, वही ना आएगा फिर 185 ईस्वी मतलब ईसा पूर्व में। ठीक है, शुंग वंश बना डाला था। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? जब उसका वेट अधिक हो जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन परमाणुओं की अनुसंख्या की वजह से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता? देखिए, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर सही है, एपिको में आपको पी हेगड़े बताना होगा, मौन आंदोलन में बाबा आमटे दे दिया गया है, सही है क्या बताइए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। बाबा जो आमटे थे ना, वो कुष्ठ पीड़ित जो गरीब आदमी थे ना, उन्हीं के मतलब रहन सहन खान पीन के लिए काम करते थे। ठीक है, मौन आंदोलन से वे संबंधित नहीं थे। और मौन घाटी में ना जो पेड़ पौधा था ना, वन जिसे आप कहते हो, उसको बचाने के लिए चलाया गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ है। प्रोटीनों में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है? देखिए, प्रोटीनों में कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस नहीं होगा। घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा स्थितिज ऊर्जा। भारत में मालाबार तट किस दिशा में है? पश्चिमी घाट वाली दिशा में है। जीव विज्ञान शब्द का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने किया है। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान से याद आया, जीव विज्ञान का ना मास्टर वीडियो आपको दिया जा चुका है, आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार आप जरूर देखिएगा। वही स्पीडी वाला जो बुक है ना, बिहार दरोगा के लिए स्पेशली आया हुआ है लेटेस्ट बुक, और उसका क्लास आपको दिया जा चुका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, तीनों का मास्टर मेड्यूबर के दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा क्लास में, चौथा में आपको बताया गया सेट नंबर यानी कि मॉडल पेपर नंबर 1 से 5 तक, और चौथा में ये हो गया, पांचवें वाले सेट में ना 6 से लेकर के 15 तक का टेस्ट पेपर आपको दिया जा चुका है स्पीडी का। आप लोग इस क्लास को देखने के बाद अभी ही उसे देख लीजिएगा, क्योंकि अभी उसका और भी क्लास आना बाकी है, फिर काफ़ी सारा क्लास हो जाएगा, देख नहीं पाएंगे आप। जीव विज्ञान का देखेंगे, रसायन का देखेंगे, भौतिकी का देखेंगे, तो शायद ही सवाल कोई छूटे आपसे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था?
सही जवाब हो जाएगा। उन्नीस सौ छियालीस में हुआ था, कैबिनेट मिशन आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए नहीं दिया जाता है? देखिए, पत्रकारिता में दिया जाता है, सरकारी सेवा में दिया जाता है, सामुदायिक कल्याण में दिया जाता है, साहित्य प्रचार में ये नहीं मिलता है। धुलाई का सोडा किसका सामान्य नाम है? धुलाई का सोडा किसे कहते हैं? Na2CO3 को कहते हैं, यानी जिसे आप सोडियम कार्बोनेट कहते हो। यहाँ पे कार्बोनेट तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है, देखिए सही जवाब। निम्नलिखित में से क्या अभिम राशि है? अभिम राशि क्या है? अभिम राशि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभेद कहते हैं उसे। प्रभेद मतलब आप इसे ना स्ट्रेन के भी नाम से जानते हो। बताएंगे तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद का लेखक कौन था? ये ना तेलुगु एक कहिए कि कृति है और इसका लेखक पूछे तो ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय बताइएगा। बीसीजी टीके में सी शब्द से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका मतलब होता है बीसीजी मतलब बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन? ये आपको टिक करना होगा, कैलमेट। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ए राइट आंसर मौद्रिक नीति का हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर सी बलबन ने। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है, बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमाणिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी डेयरी। नियंत्रित मुद्रा स्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? प्रत्यवस्फीति कहलाता है। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यविहीन समाज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? अरस्तू ने। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? सी राइट आंसर, पांच तरीकों से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? अथर्ववेद नहीं है, बाद बाकी यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद है। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस था? बताइए बताइए, बिना ऑप्शन का बताइए क्या होगा। व्यापार केंद्र था, याद है ना, तो व्यापार केंद्र के लिए आप यहाँ पर कहने का मतलब है बंदरगाह टिक करोगे, यहीं से दूसरे देश से व्यापार होता था। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अशोक ने करवाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कारक सही नहीं है? कौन सा नहीं है? जीरो डिग्री रेखांश प्रध्यान मध्य रेखा होता है, ठीक है। जीरो डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा गलत है। जीरो डिग्री अक्षांश को आप भूमध्य रेखा कह सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहते ही हैं, बी आपको ठीक करना होगा, गलत है। रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी कहलाते हैं? बताइए, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका के। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 5.5 घंटा। कौन डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी टिक करना होगा, क्योंकि ना हार्मेटन होता है, डॉक्टरी हवा कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए पीड़ा नाशक, समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? इसे कहेंगे आप दाल, यानी कि दालें सही जवाब हो जाएगा। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? जड़ से, ऑप्शन नंबर डी। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? जूल में मापते हैं, बी सही जवाब है। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन बी रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मल्टी कास्टिंग बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना होता है, ठीक है, 70 का ए सही जवाब है। निम्न में से कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। टच प्लेट लोकेटर डिवाइस होता है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में, एक दो सवाल में मैनेज करिए। माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, 71 में पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बस मिल गया, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं होगा और मॉनिटर में आप आउटपुट डिवाइस कहेंगे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, केवल दूसरा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक होती है, कुछ देर पहले आपने देखा था ऑप्शन नंबर डी ऑस्मियम। निम्नलिखित में से मूलतः कौन सा पारा प्रदूषण करता है, ए राइट आंसर सी एल एफ लैम्प सही जवाब हो जाएगा। डोडो पक्षी को कौन से वाले श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, विलुप्त वाले में। विद्युत मोटर का आविष्कार किया था किसने, माइकल फैराडे ने। फरक्का बैराज भारत तथा किसके बीच के विवाद का एक मुख्य कारण है, ये ना भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य विवाद का कारण है। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में आता है अचल संपत्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। किस देश में फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत हुआ, ऑप्शन सी इटली में। निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर बी लॉक सही जवाब। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र नाम था बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था, सावर नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, यहाँ पर आपको ठीक करना होगा, ठीक है, ए सही जवाब हो जाएगा। 1927 में 2 अप्रैल के दिन में प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था, गुलाम वंश ने किया था, सैयद भी किया था, खिलजी किया था, गोरी आपको बताना है नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, ज्योति राव फूले के द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। निम्नलिखित में से किस स्थिति पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है, ऑप्शन आपको सही जवाब टिक करना होगा ए 21 दिसंबर को, 21 या 22 दिसंबर को आप कह सकते हो। हिमोड मोरेन, हिमोड जिसे आप मोरेन कहते हो, एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, हिमनद के वजह से। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, ऑप्शन नंबर डी लोनी का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है, 120/80 होता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। बताएंगे अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य कह रहा है कि रोग है, ऑप्शन ए आलू का। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ऑप्शन नंबर डी अनंत हो जाएगा। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी होती है, क्या होती है ये पूछा है। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा का 1/4 गुना हो जाता है। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार हो जाता है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाले फ्लॉपी डिस्क का संचयन क्षमता क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 1.44 MB आपको बताना होगा, यानी कि 1.44 MB होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 95 में
मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट या आउटपुट डिवाइस, सभी टिक करना होगा। बी आपको 95 में सही करना होगा। टिक 96 को सॉल्व कर लीजिएगा, 97 को सॉल्व करिएगा, 98 को सॉल्व करेंगे, डी 99 को करिएगा, ए 100 को करिएगा, सी आ जाएगा सही जवाब। अब आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होगा, बी रूस के द्वारा किया गया था, 11 अगस्त 2023 को याद रखिएगा डेट। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की, ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, सुस्वागतम पोर्टल। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ पर बना रहा है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ना तमिलनाडु का कुलशेखर पट्टिनम है, यहीं पर बनाया जा रहा है, डी आपको टिक कर देना है। 24 घंटे 7 दिन वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सही जवाब है। OBC उप वर्गीकरण पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी गोरला रोहनी आयोग। पंजाब का तीज यानी कि तीया त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है, ए राइट आंसर वर्षा के समय के पहले मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कह रहे हैं बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण स्थित है, ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होगा, छत्तीसगढ़ सही जवाब। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है, ऑप्शन बी लेह। किस ओलंपिक खेल में कर्णम महेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी, ऑप्शन नंबर बी सिडनी ओलंपिक 2000 में बताना होगा, राजीव गांधी खेल रत्न जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बन चुका है, यह प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है बताइएगा, पहला पैरा एथलीट आपसे पूछा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, देवेंद्र झाझड़िया है। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी मणिपुर से। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बांध के पीछे स्थित ऊर्जा हो जाता है, सी सही जवाब। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था, वर्ष 1985 में बताना होगा, डेट आप याद कर ही लीजिए, 20 नवंबर का वह डेट था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राक्षस झील है, सतलुज का डी सही जवाब है। किस राजवंश के कन्नौज को अपने किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, प्रतिहार राजवंश डी सही जवाब हो जाएगा। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक का नाम, ऑप्शन नंबर बी रोहिंटन मिस्त्री बताइएगा। उस नदी प्रणाली की पहचान करिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे, ब्रह्मपुत्रा डी सही जवाब। नवंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, नवंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार, देखिए लेटेस्ट डेटा के साथ करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, परम सिद्धि AI सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सकर्स एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, जुगल हंसराज। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करिए, खुदीराम बोस साहब थे डी सही जवाब। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान का नाम बताएं आप, लाला अमरनाथ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। निम्नलिखित में से किस पर अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगती है, किस पर नहीं लगता है, साबुन पर लगता है, स्टाइल्स पर लगता है, सॉफ्टवेयर पर लगता है, सूरज की रोशनी पर लगता है क्या, नहीं।
मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिलावट अभिक्रिया। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर पीपीएम का पूर्ण रूप बताइए क्या है, तो पार्टस पर मिलियन आपको बताना होगा। क्रूर जल का रासायनिक संगठन होता है D2O। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? क्या स्वतः पोषित है? ऑप्शन नंबर बी शैवाल। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही जवाब है। वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी मृदा में पीएच का निम्न स्तरीयकरण बनाया जाता है। चलिए आज के सेट में तीन सेट को ही देख रहे हैं, ठीक है। थंबनेल पे आपको तीन सेट ही दिखेगा और तीन सेट ही देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा है आज अगल बगल से। स्टार्टिंग में किसी का पता नहीं खाना वगैरह लगता है बन रहा था कि कुकर का इतना तेज सीटी बज रहा था आज, आपने सुना ही होगा। अभी अब देखिए दीपावली का एकदम होता है ना, सब सबके अंदर खुशी का माहौल छाया हुआ है, लेकिन आप दीपावली छठ और इस तरह के फंक्शन में ना बिजी होइएगा, पढ़ाई करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए इसको नंबर 28 को क्या कहा था। वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो मृदा में पीएच निम्न स्तरीकरण करता है, याद रखना होगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए अच्छे से बता दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जानते हैं ना आप, न्यूयॉर्क में है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल यानी कि एसिड जो है वह कौन सा होता है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड। शेर शाह की महानता किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार में। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था? पंडिता रमाबाई ने। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। डी आपको यहाँ पर इन सब में टिक करना है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल ओ वाले से। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान कह रहे क्या कि द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है, उसे कहते हैं एक्सोएर्जिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सो एर्जिक सही जवाब हो जाएगा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह थे। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ऑप्शन नंबर सी वर्षा स्तरी मेघ कहते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? उबालना में आपको हो जाएगा सही जवाब। अस्थायी कठोरता को आप दूर नहीं कर पाओगे। वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी जमाली सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया था? ए न्यूजीलैंड ने दिया था। कब? 1893 में। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? अम्ल और क्षार दोनों में। हल्दी के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? ए राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? बी आपको टिक करना होगा राखीगढ़ी। अनुच्छेद 368 वर्णित करता है क्या? 45 का ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। संविधान संशोधन की संसद शक्ति सही जवाब है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? वह था 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता बताइए कौन थे? यहाँ पे ना सामाजिक समझौता सिद्धांत में लॉक थे, रूसो थे, हॉब्स थे। ऑप्शन डी ठीक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? 48 का ऑप्शन नंबर बी बजट बनाना नहीं होता है, कानून बना सकते हो, बजट पारित करना होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण भी इनका होता है।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1921 में किया गया था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना था। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? ऑप्शन नंबर बी सेबी। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? ऑप्शन नंबर बी बताना होता है आपको, सोडियम आप ठीक करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? कौन सा संक्रमण धातु नहीं है पूछा है। एक्टिनियम है, एक्टिनियम आपका है, बोरियम है और ऑस्मियम है, लेकिन रेडियम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन यहाँ पे कह रहे हैं सही दिया हुआ है, तो नंबर सी है ना, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेटर मैटर तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों आपको ठीक करना होगा। कौन जैव निम्नी कह रहे कौन इसमें से जैव निम्नीय यानी कि जिसे आप बायोडिग्रेडेबल कहते हो या नहीं है, कौन सा नहीं है? शीशा नहीं है, रुई और कागज होता है, ए आपका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, नंबर 55 सवाल आपके लिए है, अगर जवाब पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, साथ ही अगर मन हो तो आप यह भी बता सकते हो, 3 या 5 सेट करके आप देखने के लिए सक्षम है ना, देख रहे हैं ना क्लास अच्छे से, बताइएगा। टाइम भी आपको दिया जा रहा है, 2 दिन के बाद फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए शिव कुमार शर्मा दिया हुआ है बांसुरी, तो जम्मू कश्मीर के पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, काफ़ी फेमस हैं, यह सही जवाब हो जाएगा नहीं है। देखिए और एक बात थोड़ा सा समझिएगा, 3 क्लास है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं, सॉरी 3 सेट 1 क्लास में है, तो देखिए स्पार्क का आप क्लास देख रहे हो ना, अभी पता है आपको इसमें कितना सेट है, समझिए थोड़ा सा, 25। किरण में कितना है ध्यान है आपको, उसमें भी लगता है 25 या 30 सेट है, शायद 30 सेट है उसमें। ठीक, और आप ले लीजिए 1 से 2 बुक आपको और मिल ही जाएगा जल्द ही नया वाला, और आप 30 सेट पकड़ के चलिए आपको मिलेगा ही, 30 30 60 80 प्लस 85 प्रैक्टिस सेट अभी आपको देखना है, और ठीक है 85 देखना ही पड़ेगा। आप देखिए आपको कैसे दिखाते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, Volume 2 प्लेटफॉर्म का आएगा, Volume 3 आएगा तो आपको देखना ही पड़ेगा वो भी, तो आपको पता है ना 85 सेट मतलब आप कहेंगे कि नहीं सर 1 दिन में 1 सीट दीजिए, तो 85 दिन में देखिएगा, है आपके पास 85 दिन? अगर है तो फिर कहिए, नहीं तो फिर सोचिए क्या आपके पास 85 दिन है, तो जो आपको जिस तरह से क्लास दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्पीडी साइंस का क्लास है वह भी आपके एग्जाम से 1 सप्ताह 10 दिन पहले तक हर हाल में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा सेट, क्योंकि 25 सवाल वहीं से पूछा जाएगा, तो सोचिए फिर कैसे आप तैयारी करेंगे और कैसे क्लास हमको देना होगा, जो भी क्लास स्टार्ट किए हैं उसको अंत तो करेंगे एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं सोचिएगा कि छोड़ दिए किसी भी सेट को, ऐसा सोच रहे हैं तो भ्रम में मत रहिएगा, इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ा सा आप लोग कंसस होकर पढ़िए, जितना सेट दिया जा रहा है मस्ती में लगाइए सेट, और क्लास पसंद आए तो वीडियो को उतना ही मस्ती में लाइक भी करिए, एक एक सेट के भरोसे ना रहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपने देख लिया, आइए नंबर 57 पर, बिहार के मोतिहारी में बनाया गया नया तेल अड्डा कौन से देश को तेल आपूर्ति करता है? नेपाल को। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? प्रक्रमों पर, स्वामित्व वाले पर किया जाता है। भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बी हो जाएगा सही जवाब, उत्पादन पद्धति को का यूज करते हैं। कह रहा है अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब समझ गए ना, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना इसका मतलब होता है अहस्तक्षेप नीति, कुछ जो बैन था उसे हटा देना कहने का मतलब है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किए जाते हैं, मान्यवादी किए जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश किए जाते हैं,
उपराष्ट्रपति नहीं किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद एक में। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के हिसाब से मिलाइए। दरोगा में तो सवाल पूछा ही जाता है इस तरह का। सबसे पहले हुआ था बंगाल विभाजन 1905, फिर क्या हुआ था चंपारण 1917, जलियांवाला बाग कब हुआ था 1919 में अमृतसर में। अब आप मिला लेंगे। निम्नलिखित में से कौन कुओं में सिंचाई के लिए उपयुक्त है? यहाँ पर आपको महानदी का डेल्टाई क्षेत्र बताना होगा। डी सही जवाब। कैरेक निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? ऑप्शन नंबर बी अरुण का बताइएगा, मतलब यूरेनस का। यूरेनस ना का जो घूर्णन अक्ष ना 98 डिग्री आप याद रखिएगा झुका हुआ है। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? थाइमस ग्रंथि है। अकल की दाढ़ है। ग्रसनी मतलब फैरिंग्स है, लेकिन गल ग्रंथि नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, नंबर 70 का। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिका से। एक वस्तु का द्रव्यमान एक, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, क्योंकि ना मौलिक मात्रा, भौतिक मात्रा, अदिश मात्रा होता है। किसी भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा बताइए? नंबर फर्स्ट 36,000 बताना होगा, वैसे 35,800 होता है, 36,000 आप यहाँ पे बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? इनपुट डिवाइस का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? टेराबाइट का होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है बताइए? कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके परमाणु द्रव्यमान संख्या आप दिखाएंगे। देखिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट कितना है, आज परेशान करके रखा है खुद का, मेरा माथा हिल रहा है आज के इस क्लास को तैयार करने के टाइम, पता नहीं क्यों। कौन सी अभिक्रिया सूर्य में विकृत होने वाले ऊर्जा का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी बताना होगा, नाभिकीय संलयन। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी वृक्षारोपण से संबंधित है। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हैं? 4। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर डी दमित्री मेंडलीफ ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है बताइए? बिहू असम में होता है क्या, सॉरी बिहार में होता है क्या? नहीं ना, तो गलत हो जाएगा ना, कहाँ होता है बिहू? असम में होता है, तो ये आपका गलत है। घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब, लावणी महाराष्ट्र में। ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था? ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका में। भारत का सर्वोच्च कानूनी पद कौन संभालता है? कौन संभालता है जानते हैं ना? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महान्यायवादी। केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा के लिए। ठीक है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने श्री बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई है? ऑप्शन नंबर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ UNO बताना होगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए नंबर 86 पर। क्रायोजेनिक्स है, क्रायोजेनिक्स क्या है? ये ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है क्रायोजेनिक्स। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, यहाँ पे एओर्टा बताना होगा। ठीक है, एक मिनट हाँ ठीक है। अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है, उसका मूल क्या है?
ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर आपको यहाँ पर बताना है। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वह थोड़ा सा ऊपर उठता है, आपने बहुत बार देखा है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीपीयू कहते हैं। यदि कुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या होगा, दक्षिण में क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत में संचार क्रांति किस के लिए कह रहे हैं, किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, सैम पित्रोदा को जाना जाता है। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं, ए राइट आंसर 8। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था, नेल्सन मंडेला थे। हाइड्रोफोन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पानी के अंदर की ध्वनि को दर्शाता है। या नंबर 96 को सॉल्व कर लीजिएगा, डी आ जाएगा राइट आंसर। 97 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 98 को सॉल्व करिएगा, नंबर फर्स्ट आएगा। 99 को सॉल्व करिएगा, बी आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 100 को आप सॉल्व करेंगे, ए आपका सही जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा, उतना एनर्जी के साथ आज के क्लास को तैयार नहीं कर पाए, आप सबों के सामने नहीं ला पाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ पे आसपास भरे हुए हैं आज। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आपके बिहार SI में आज के इस क्लास से फ़ायदा हुआ हो तो आप छोटा सा काम यानी कि लाइक कर दीजिएगा। बिहार SSC, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले प्लेलिस्ट आकर चेक करिए, क्लास पसंद आए तो ही करिएगा। और एक अभी बुक का क्लास आ रहा है कंटिन्यू, आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़बरदस्त वाला, तो उसे आप लोग खास करके देख लीजिएगा, ठीक है। MCQ सीरीज है, हर एक टॉपिक का MCQ है, आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। कुछ कहना हो कमेंट करिए, सारे कमेंट को ध्यान से देखा जाता है। जो भी आपके पास सजेशन होगा आप बताइए, कुछ अच्छा रहा वो माना जाएगा। दो थंबनेल शो कर रहा है, इन दोनों में से जिस भी क्लास को अभी तक आपने नहीं देखा है सबसे पहले देख लीजिए।